पेस्ट करने के बाद अब हमने इस तरह से कपड़ा फोल्ड करना है कि हाफ़ इंच जो है वो स्कालिप से मार्जिन का रहे, और ऊपर का जो हमने बढ़ाया हुआ कपड़ा था हाफ इंच उसको हमने ऐसे प्रेस कर लेना है फोल्ड करते हुए। इस कपड़े की टोटल चौड़ाई जो है, लंबाई जो मैंने रखी है वो तकरीबन 13 इंच है, और चौड़ाई जो है वो हमारी पट्टी के बराबर है, और यहाँ पर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। अब दूसरा जो पीस है हमारा उस पर भी इसी तरह से रखते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे, और जहाँ पर हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है, जहाँ पर बाज़ों की चौड़ाई 9.5 और लंबाई तकरीबन 21 इंच है, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, बाज़ों की कटिंग पहले नहीं करनी हमने। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि हमारे फूल जो हैं वो ऊपर की तरफ जाने चाहिए, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इनको हमने ऊपर की तरफ करना है। इस डिज़ाइन को आप प्लेन पर भी बना सकते हैं, ऑल ओवर पर भी बना सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि फूलों का प्रिंट ऊपर की तरफ रहे। अब सेंटर के बाजुओं के बिल्कुल सेंटर में हमने ये स्कालिफ का सेंटर पे निशान लगाया हुआ है, और ऐसे ही हमने हाफ इंच नीचे से मार्जिन छोड़ते हुए प्रेस कर लेना है। जो हमारी कटिंग है स्कालिफ के वो बाजुओं के ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, बाजुओं की जो साइड से कटिंग है एक्स्ट्रा वो हम बाद में करेंगे। मैं ये तकरीबन 8 इंच के बाजू मेरे कंधे से रेडी आएंगे, मैं ये एक स्मॉल साइज़ के जो है वो रेडी कर रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपने अपने साइज़ के हिसाब से अगर आप मीडियम या लार्ज में बना रहे हों तो ये जो मैंने पट्टी 16 इंच की काटी थी ये आपने थोड़ी ज़्यादा काट लेनी है। अब ये देखें यहाँ पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, ये देखें सिलाई लग चुकी है, अब हमने सभी पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी जो लंबाई है तकरीबन यहाँ पे मैंने 13 इंच काटी थी, ये देखें बाकी जो है बाकी की लंबाई हमने इतनी नहीं काटनी, वो बराबर ही कपड़ा होना चाहिए। अब हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके अपने स्लीव्स को साइड से एक्स्ट्रा जो मार्जिन था वो मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। तकरीबन 7.25 इंच पे हमारी सिलाई लगेगी, यानी कि आधा स्कालिफ जो है हमारा नज़र आना चाहिए और आधा जो है वो सिलाई में जाना चाहिए। एक्स्ट्रा मैंने कटिंग कर ली है, ऊपर से मैं बाद में कटिंग कर लूँगी। अब इन पर हमने बिल्कुल सेंटर में कट लगाने हैं, सिलाइयों तक सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सभी पर इस तरह से लगा के और बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा साइडों से काट देना है। अच्छे से कोनों से हमने कपड़ा काटना है ताकि हमारे कोने जो हैं वो अच्छे से निकलें, सभी मैंने ऐसे कट कर लेने हैं। अब इनको हमने बिल्कुल अच्छे से बाहर की तरफ निकाल के तो प्रेस कर लेना है। पानी का स्प्रे लगा कर भी प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरे हमने कट किए थे सिलाइयाँ लगाई हैं उनका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और जहाँ पर मैं डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ गम भी लगाई जा सकती है ताकि हमारा कपड़ा जो है वो हिले ना। इस पर भी मैं डबल साइडेड टेप लगा रही हूँ, अगर टेप ना हो तो कोई बात नहीं, गम ना हो तो कोई मसला नहीं, जो बिगनर्स हैं वो इस प्रोसेस को ज़रूर करें टेप वाले को। और अब ये देखें इस तरह से हमने ये वाली साइड ऊपर रखनी है बुकरम वाली साइड, और बाद में बाकियों की जो साइड है बुकरम वाली वो भी ऊपर ही रखनी है, और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। इनका जो आपस का फासला है वो बाद में मैं आपको बताती हूँ मैंने कितना रखा है। सिर्फ बाजू हमारे जो बाजुओं के आगे स्कालिफ बने हैं उनकी बुकरम वाली साइड नीचे जाएगी, बाकी सब की बुकरम वाली साइड ऐसे ऊपर की तरफ आएगी। अब ये देखें तकरीबन 1.25 इंच का जो है इन सब का फासला मैंने आपस में रखा हुआ है, इतने ही खूबसूरत लगेंगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अब यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाइयाँ लगाते जाना है।
ऐसे बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने सिलाइयाँ लगाते जाना है। यहाँ पर भी ऐसे ही हमारी सिलाइयाँ, इससे क्या होगा कि हमारे बाजू जो है मज़बूत हो जाएंगे। नीचे से हमने अच्छे से कपड़ा जो है वो अपना खींचते जाना है। नीचे वाला जो ग्रीन कलर का हमारा कपड़ा है ना, मुंगिया कलर का, वो हमने अच्छे से नीचे की तरफ खींचना है, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा पतला है, ऊपर वाला जो कपड़ा है वो ज़रा मोटा है। बुकरम की वजह से ऊपर वाला स्टफ़ मोटा है तो नीचे वाला कपड़ा इकट्ठा होगा। अब यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगाई है, पहला स्कालिफ जो था और बाकियों को भी उसके ऊपर अटैच करते हुए मैंने रखते हुए सिलाइयाँ लगा ली हैं। सिलाइयाँ लगाने के बाद इसको भी यहाँ पर इसके ऊपर रखते हुए 1.25 इंच के मार्जिन पर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल सेम धागा डालते हुए, ये देखें, सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से हमने कट करके तो अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और बाद में इस पर तरपाई हो जाएगी। अब हमने बाजुओं को इस तरह से फोल्ड करना है, उल्टा फोल्ड करने के बाद अब हमने अपने बाजुओं की जो लेंथ है ना वो देखनी है कि हमने कितनी तैयार रखनी है। पहले ही हम ये जो लेंथ है अपनी नहीं काटेंगे, पहले हम अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ नीचे से रखते हुए इंची टेप, मुझे तकरीबन 19 इंच बाजू रेडी चाहिए। मैं 19.5 पर 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए निशान लगा रही हूँ। और अब यहाँ से मैं 3 इंच की डाउनिंग दूँगी और मैं यहाँ पर कंधे की शेप दे दूँगी। ऊपर से जितने मुझे बाजू तैयार चाहिए 8.5 उतने पे मैं निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर तकरीबन हाफ स्कालिफ जो है ना हमारा, आपने बस ये देखना है कि हाफ स्कालिफ जो है हमारा नज़र आए और हाफ स्कालिफ जो है वो हमारा सिलाई में जाए, क्योंकि जिस को हम कॉपी करके डिज़ाइन बना रहे हैं वो भी सेम इसी तरह से है कि साइड की सिलाई में हाफ स्कालिफ सिलाई के साइड की सिलाई के अंदर है और हाफ जो है वो नज़र आ रहा है। और सिलाई लग चुकी है, अब बाजुओं को हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। ये थोड़ा यहाँ से हार्ड हार्ड ही बनेगा क्योंकि बुकरम काफ़ी ज़्यादा लगा है इनमें, इनको अच्छे से हमने प्रेस कर लेना है और पानी का स्प्रे करना है इस पे और प्रेस करना है। कलर की सिलेक्शन जो है वो आप अपने सूट के हिसाब से कर सकते हैं कि लाइट कलर लगाने हैं, डार्क लगाने हैं, या जिस तरह के भी आप चाहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ये एक ही बाजू मैंने आपको अभी रेडी करके दिखाया है, दूसरा मैं बाद में करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।